सोलन कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने बैठक का आयोजन किया। बैठक में राठौर ने भाजपा पर जमकर निशाने साधे और कहा कि भाजपा उपचुनावों में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है और चुनाव आयोग से, जो कि एक संवैधानिक संस्था है, उसे सरकारी विभाग की तरह पेश आ रही है, मानो उसे चुनाव आयोग का कोई डर नहीं है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह नौजवानों को प्रलोभन दे रहे हैं, गाँव वासियों को रिझाने के लिए सरकारी पाइपें लाकर विकास के सपने दिखाए जा रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। सोलन में कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने एक बैठक ली। बैठक में राठौर ने भाजपा पर जमकर निशाना भी साधा और कहा कि भाजपा उपचुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहा है और चुनाव आयोग से, जो एक संवैधानिक संस्था है, उसे सरकारी विभाग की तरह पेश आ रही है, मानो उसे चुनाव आयोग से कोई डर नहीं है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि वो नौजवानों को प्रलोभन दे रही है, गांव वासियों को रिझाने के लिए सरकारी पाइपें लाकर विकास कार्य दिखाने की बात कर रही है, जो कि सरासर गलत है। राठौर ने कहा कि सिरमौर में भाजपा खुलकर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है, जिस पर चुनाव आयोग ने कार्रवाई करते हुए इतिहास में पहली बार विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस भी जारी किया है, जिससे साबित होता है कि वे अपने पद की गरिमा को बनाए रखने में असफल हैं। वे चुनावों में भाजपा के कार्यकर्ता की तरह प्रचार कर रहे हैं, इसलिए वे अपने पद से इस्तीफा दें। उन्होंने कहा कि हद तो ये है कि प्रदेश के मुखिया जयराम ठाकुर भी उनकी पैरवी करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मंत्री महेंद्र सिंह और कुछ सरकारी अधिकारी आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उन पर भी तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। पहली बार जो है देश के इतिहास में मैं कहूँगा कि विधानसभा अध्यक्ष को जो है नोटिस जारी हुआ है और चुनाव आयोग ने उनकी जवाब तलबी की है। मुझे लगता है कि बिंदल साहब को जो है अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि संवैधानिक संस्था के प्रमुख होने के नाते उनका यह दायित्व बनता है कि वो अपनी तटस्थता जो है बनाए रखे। उन्होंने अपनी तटस्थता का पालन नहीं किया और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह वो प्रचार करें, जो बिल्कुल गलत है। और मुख्यमंत्री जो है उनका समर्थन कर रहे हैं, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री का ये कथन कि बहुत सारे प्रदेशों में जो है स्पीकर जो है प्रचार करते हैं, गलत है। और चुनाव आयोग को कहीं ना कहीं जो है छोटा दिखाने का मुख्यमंत्री का ये प्रयास है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का दिमाग मुझे लगता है खराब हो चुका है कि उनको देश की जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं उनका कोई जो है उनको डर नहीं रहा और चुनाव आयोग को वो अपने विभाग की तरह जो है समझ रहे हैं। सिरमौर के जो डिप्टी कमिश्नर है वो, उनको हमने कितनी बार कंप्लेंट्स की लेकिन वो पक्षपातपूर्ण उनका रवैया है। उसी तरह से जो आईपीएच विभाग के अधिकारी हैं वो भी जो है बराबर जो है महेंद्र सिंह जी का एजेंडा जो है वो चला रहे हैं, तो लेकिन अभी तक जो है कार्रवाई उन पर नहीं हुई। हमने निर्णय किया है कि 15 तारीख को हम राजगढ़ में प्रोटेस्ट मार्च निकालेंगे और लोकतंत्र को बचाने की हम मांग करें। तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए एस टुडे के साथ। नमस्कार।